हेलो। हाँ भैया, कैसे हो राहुल? बढ़िया भैया, अपना बताइए। सब बढ़िया यार। बस बहुत दिन से मेरा एक प्लान था, शायद तुमको पता ही होगा हाँ, प्लान तो आपका बहुत दिन से बन रहा है। यार, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा बन क्यों रहा है। बन रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत मन हो रहा है। ऐसा करिए भैया, आज देखिए जून 15 को बंद होने वाला है फिर से सफारी वगैरह सब यहाँ पे, तो उससे पहले अगर पॉसिबल हो तो आज। बंद होने वाला होगा हाँ, भाई, बस तो नेक्स्ट मंथ में बंद फिर होगा, फिर उसके बाद 4 महीने बाद खुलेगा सीधे जाके अक्टूबर में। इंसान ना अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पालता है, कुछ चीज़ों से, कुछ जगह से, और न जाने क्या क्या। मेरे भी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस हैं चीज़ों को लेके, लेकिन एक सवाल जो हमेशा लोगों का आता है वो है बिहार को लेके। जब मैंने काम शुरू किया था तो लोगों का एक सवाल होता था कि कभी ऐसा हुआ है कि बिहार में आप कहीं गए हों, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत अलग हों। मेरा जवाब सिंपल था, एक्सपेक्टेशन कभी मेरे लिस्ट में आ रहा ही नहीं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें देख रहा था वो शायद मेरे लिए बिल्कुल नहीं और शायद अनएक्सपेक्टेड थी। पिछले 3 सालों से एक जगह के बारे में मैं प्लान कर रहा था, प्लान कर भी रहा था और उसके अलावा मैं गया भी था। मानसून 2019, मैं VTR आया, और मुझे याद है मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, बट जो भी चीज़ें मैंने देखी वो मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स थी। मुझे बताया गया कि मानसून है, आप अभी सफारी नहीं कर सकते, अभी अंदर आप नहीं घूम सकते। सो कहीं ना कहीं मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये चीज़ें वापस से खुलें, मुझे मौका मिले और मैं यहाँ आ पाऊँ। 3 साल बीत गए लेकिन अब रहा नहीं गया, एंड दिस इज़ नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस ऑफ बिहार, VTR, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और अभी फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस प्लेस वो राहुल बताएगा, क्योंकि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। और राहुल, तुम्हारा? मेरा 1000 से ज़्यादा होगा आज तक, क्योंकि राहुल यही रहता है, क्योंकि राहुल वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में ही रहता है, ये सफारी में गाइड का भी काम करता है। यार स्पेशलिटी बताओ चाहिए कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि मतलब मैं इधर आ जाऊँ और लोग इधर आ जाए। स्पेशलिटी का बात किया जाए तो ऐसे बिहार का एक लोकल टाइगर रिजर्व है, और टाइगर है यहाँ पे। हाँ, टाइगर्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है उसकी, करीब 45+ है टाइगर यहाँ पे। लेपर्ड का बोला जाए तो लेपर्ड 100+ है यहाँ पे। बाकी और भी फौना की बात की जाए तो काफ़ी सारे मैमल्स हैं, जैसे कि गौर है जो हमारा स्टेट एनिमल है बिहार का, उसके अलावा वाइल्ड डॉग है, एंटेलोप स्पीशीज है। इतना कुछ जानता था मैं बिहार के बारे में, बट 2 दिन बाद पहले पता चला कि गौर इज दी राजकीय पशु ऑफ बिहार। उसके अलावा मैं बर्ड स्पीसीज काफ़ी यहाँ पे, जैसे रेसिडेंट और माइग्रेटरी मिला के यहाँ पे 250+ बर्ड स्पीसीज है, और स्लॉथ बेयर है, और रेप्टाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे वेनमस और नॉनवेनमस। यहाँ पे किंग कोबरा भी पाया जाता है, स्पेक्टिकल कोबरा, रेड स्नेक, वाइपर्स मिलते हैं, रसल वाइपर, पिट वाइपर, सलाजार पिट वाइपर। धीरे बोलूँगा क्योंकि यहाँ अभी सफारी में ज़्यादा तेज बोलना अलाउड नहीं है, और चूँकि जानवर है अभी मुश्किल से हमें एंटर किए 10 मिनट नहीं होंगे, और हमने सामने एक बहुत बड़ा हर्ड ऑफ गौर है ना शायद ये, हाँ गौर हमने देखा है, एंड मतलब बिल्कुल शांति से अपने बच्चों के साथ वो लोग खा रहे हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मज़ा आ रहा है, ये छोटा सा ग्रास लैंड है एक्चुअली यहाँ का, एंड वन ऑफ द, मैं बिहार में ये सारे चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे को लिटरली बिलीव नहीं हो रहा।
भाई। आ गया फोटो, आ गया। वो दूर कहीं एक ईगल बैठा है, राइट? क्लस्टर्ड सरपेंट ईगल। सीख जाऊंगा धीरे धीरे। सरपेंट ईगल उसका नाम पढ़ने का रीजन है कि वो ज्यादातर प्रे करता है स्नेक्स पे, सांप पे। क्रेस्ट मतलब पीछे उसका क्रेस्ट होता है, एक मेल होगा तो क्रेस्ट बड़ा होगा उसका। ओके, सो ये कुछ नई चीजें हैं जो सीखने को मिल रही है, जो अभी तक नहीं पता था, बट ठीक है, घूमते घूमते और सीख जाएंगे। अभी हम लोग जस्ट एक एरिया क्रॉस कर रहे थे और राहुल भाई, और राहुल ने बताया कि एक पेड़ है जिस पे टेरिटोरी मार्किंग जिसको कहते हैं, राइट? तो वो थोड़ा सा हमने जैसे ही क्रॉस किया, मेरे को लगा था ठीक है, 2-3-4 फुट 5 फुट तक होगा, 6 फुट तक होगा, पर वो देखो कहाँ तक है उसका, ऊपर तक वो 10-11 फुट 10-11 फुट होगा। और ये राहुल और राहुल भाई बता रहे थे कि ये उनके सामने हुआ था जब ये लोग, इंसिडेंट हमारे सामने का ही है जब हम लोग सफारी में थे, मॉर्निंग सफारी में अक्टूबर के लास्ट में, पिछले साल की बात है। इसी साल की बात है मतलब इस बार जो सफारी सेशन यही था, अक्टूबर के 2021 में ये हुआ था। एंड दिस इज क्वाइट अमेजिंग, मतलब मैं 5-6 फुट अप्रॉक्स गेस कर रहा था या फिर नीचे का गेस कर रहा था, बट आप समझ लो वो कहाँ तक जा सकते हैं, मेल टाइगर था वो। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन वाल्मीकि नगर, तो जस्ट डोंट वेट, आओ। अभिषेक, सो अभी तुमको बनारस स्पेशली भगवान के बुलाएं, तो बुलाने का यह एक्सपीरियंस क्या, वर्थ इट रहा? एकदम वर्थ इट रहा, मतलब इतने ग्रीनरी है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ एक ही हुआ यहाँ पे 17, इतना फ्रेश एयर है, मज़ा आ रहा है। मतलब आप देखिए ना, इतनी ग्रीनरी देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली ये प्लेस की वैल्यू क्या है, नहीं मिलेगा ये बाहर। देखा जाए तो मतलब अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो पहले तो एक ही बसेस चलती थी जय माता दी करके, बट अब एक गवर्नमेंट की भी बस चलती है, BSRTC की AC बस है, सीटर है, 9 आवर्स लगते हैं। आप रुकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की का फैसिलिटी अवेलेबल है, रिजॉर्ट है उसमें आप रुक सकते हैं, जिसमें बैम्बू हट है, ट्री हाउसेज है,
और भी कई सारी चीज़ें, खाने वाने का भी सुविधा अच्छा अवेलेबल है, प्राइवेट रिजॉर्ट्स प्राइवेट होटल्स भी काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं जो मेरे समय में नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब दिस प्लेस इज हैवीली रिच इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ के जो दीवाने हैं उन्हें डेफिनेटली आना चाहिए। और राहुल के इंस्टा आई डी को जो कि मैं अटैक कर दूँगा आपको देखना चाहिए, इंटरेस्ट में क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर दीजिए। मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि मैं भी आया था यार और शायद नहीं घूम पाया, इसी चीज़ का अफसोस था। तो आई केम हियर अगेन, इंटरेस्ट में बहुत बेहतरीन है आना। आप अगर आपका पर्सनल व्हीकल भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीज़ें अगल बगल नहीं हैं। अगर आप गवर्नमेंट के भी बसेस से आते हैं तो मे बी आपके लिए ईजी रहेगा, सफारी जीप है आप यहाँ पे रेंटल करके आप घूम सकते हैं। यहाँ की शाम गज़ब खूबसूरत है, मतलब बराज पे जब आप बैठते हो वो गंडक किनारे, एक अलग सी फीलिंग है। एंड यू विल फील लेज़ी, यू विल फील काम, यू विल फील, मैं यहाँ 4:30 बजे और 3:30 बजे उठ जा रहा था दो दिन, उसका रीज़न ये था कि इतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा है कि मज़ा आ जाता है। बाकी खुद आके देखना पड़ेगा, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। सो लास्ट डे एंड कुछ चंद घंटे बचे हैं हमारे ट्रिप में, सो हमने डिसाइड किया कि गंडक किनारे बैठेंगे, सामने पहाड़ियों का व्यू देखेंगे एंड विल समिट अप। एंड लास्ट टाइम जब वीडियो आया था और इस समय जब आया हूँ, बहुत सारी चेंजेस दिख रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इस इलाके में, खास करके मुझे याद है मुझे नहीं पता था कि उस समय पानी में घड़ियाल होते हैं, तो मैं पानी में ऐसे पैदल पार कर रहा था। बट अभी ये इलाका मुझे याद है उस समय बन रहा था, मतलब मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे, बट अभी एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट बन चुका है। पीछे नेपाल की पहाड़ियाँ हैं और आज मौसम थोड़ा साफ है, क्योंकि पहले वो पहाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, आज दिख रहा। तो पता है क्या है, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो क्या है, किस चीज़ से ढकी थी लास्ट टाइम? स्मॉग, मे बी फॉग, मे बी बादल। अभी साफ़ हो गया क्योंकि मौसम साफ है, दिख गया है लोगों को। थोड़ा सा रिलेटेबल चीज़ इससे है अबाउट आर स्टेट, अबाउट आर बिहार। लोगों के दिमाग में एक बादल घुस गया है जो हट ही नहीं रहा, परसेप्शन का, और परसेप्शन बहुत मैटर करता है किसी भी जगह के मामले में। इंटरनेट के जनरेशन में हमें कहीं ना कहीं जाना है तो गूगल करके जाते हैं और वही हम परसेप्शन बना लेते हैं। बिहार का ओवरऑल परसेप्शन हमेशा से नेगेटिव ही रहा है, वो कोई भी मामला हो, आप न्यूज़ भी देख लोगे हर मामले में बिहार निगेटिव ही है। आई एग्री की प्रॉब्लम्स है, बट उस बादल को थोड़ा छटाने की ज़रूरत है। जैसे आज बादल छटा तो मुझे वो पीछे का पहाड़ दिखा, तो शायद आपका बादल दिमाग का छटे तो बिहार कुछ ऐसा दिखेगा। विद दिस आई विल से कि कम टू बीटीआर, ये कसम से एक लाइन मेरे मन में आ रहा है, मैं बोल दूँ शायद कम टू बीटीआर डेफिनेटली हो जाएगा प्यार। एंड हमें हो गया, ये दो दिन कैसे बीते आई डोंट नो, बट दो दिन भी लग रहा था कि हमारे लिए इट वॉज काइंड ऑफ अ वीक, एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट।